मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अरब सोसाइटी में रहते थे इस्लाम आने से पहले, वहाँ पर ये एक आम सी बात थी कि बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता। ये एक बहुत इंसल्ट की बात समझी जाती थी कि किसी के घर में बेटियाँ पैदा हों। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया और कुरान में ये मेंशन्ड है, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, जब जिंदा दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस गुनाह के लिए दफन किया गया था। सोचिए, ये चीज़ आज तक भी हमारी सोसाइटी में मिलती है। मार्च 2017 की रिपोर्ट है कि इंडिया में एक बच्ची को जिंदा दफन किया गया था, लेकिन गांव वालों में से किसी ने देख लिया और उस बच्ची को किसी तरह से बचा लिया गया। यहां तक कि जब हम इंडिया के सेंसस की रिपोर्ट देखते हैं अब इस जमाने तक, हम देखते हैं हर 1000 मर्दों के लिए 940 औरतें हैं, और बच्चियों में हर 1006 साल के करीब लड़कों के लिए सिर्फ 919 लड़कियां हैं, यानी कि 81 लड़कियां मिसिंग हैं। अगर आप पूरी इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो 62.3 करोड़ मर्दों के लिए सिर्फ 58.6 करोड़ औरतें हैं, यानी कि 3.7 करोड़ औरतें कम हैं। आप देख सकते हैं कि 1961 में चाइल्ड सेक्स रेशियो 975 था, 1000 लड़कों के लिए 975 लड़कियां थी, लेकिन 2011 के सेंसस में कम होते होते 1000 लड़कों के लिए 919 लड़कियां हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये सिखाया, सही मुस्लिम की हदीस है, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा, जो दो बच्चियों को बड़ा करता है यहां तक कि दोनों बड़ी हो जाएं, जा यौमल क़ियामा अना व हुआ व दम्मा असाबियहु, वो कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि मैं और वो ऐसे होंगे। ये तो ऐसी बात है कि बच्ची पैदा होने पर गम की जगह खुशी होने लगी कि बच्ची पैदा हुई है, मुझे एक मौका मिला है कि मैं नेकी करके जन्नत तक पहुंचूं, यहां तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं ऐसे हो जाऊं। iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।